आज के शो की और हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। अच्छा, पैनल पर जाऊँ उससे पहले एक बार ज़रा वापस लेकर आइए स्टॉक ओला इलेक्ट्रिक का। एक बार ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक एक बार फिर से ज़रा आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि आज वॉल्यूम देखिए आप, ओला इलेक्ट्रिक में 20 करोड़ के करीब के वॉल्यूम हुए हैं, जिसमें कि आप ये सोचिए कि काफ़ी टाइम से सर्किट पर आए, तो सर्किट सर्किट हाँ पे भी मतलब वॉल्यूम्स रहे होंगे। लेकिन जो एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ मैं पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा था वो ये था कि अगर इसको आप इन टर्म्स ऑफ वैल्यू कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे तो करीब करीब 3,000 करोड़ के करीब का की वैल्यू हुई है यहाँ पर, और उसमें से डिलीवरी वॉल्यूम सिर्फ 25-26% रहे। मेरा ये मानना है कि अब हम एक स्टेज पे पहुँच गए हैं जहाँ पे लोग ताबड़तोड़ ट्रेडिंग कर रहे हैं इसमें, और ये वैल्यूएशंस का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर। लेकिन कर रहे हैं लोग तो अलग बात है, बट जैसे सुबह बात हो रही थी कि प्राइस से नैरेटिव चेंज हो जाता है, जैसे आज 70 के प्राइस पे कुछ और नैरेटिव था, जी हाँ आज 140 के प्राइस पे एक और कुछ और नैरेटिव है, लेकिन अब प्योर नैरेटिव बिल्डिंग है। इस लेवल पर अगर आप खरीदेंगे तो बहुत बड़ा रिस्क लेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आराम से 20-25% ये स्टॉक कभी भी करेक्ट हो सकता है, पता नहीं होगा या नहीं होगा वो अलग बात है। खैर, एनीवे हमारा पैनल तैयार है, ट्रेड लेना शुरू करते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी, क्या रहेगी आपकी ट्रेड इस समय की? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी ध्यान एमसीएक्स पे है। एमसीएक्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 24755 पे फ्यूचर्स पे है। यहाँ पे आप 4700 के स्टॉप लॉस है। एमसीएक्स पे अभी भी लॉन्ग ले सकते हैं। मुझे लगता है कि ये एक दो तो दिन में आपको टूवर्ड्स 4850 से 4900 तक के लेवल्स दिखाना चाहिए, बट अ टाइट स्टॉप लॉस ऑफ 4700 बिकॉज मार्केट्स आर लिटिल अगेन ओवरहीटेड। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एमसीएक्स पर एक राय, बाय साइड की 2.5% ऊपर है काउंटर। कावा जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू यू। जो स्टॉक मुझे पसंद है इस वक्त वो है वोल्टास। ट्रेड करा है 1596 पर, स्टॉप होगा 1585। टारगेट मेरे ख्याल से 1630 के नजर आते हैं वोल्टास। ओके, वोल्टास हो गई गाबा सर के पिक। मानस, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, हिंडाल्को पे खरीदारी करने की राय रहेगी। हिंडाल्को ने एक ही दिन में 20-50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, उसके ऊपर निकला है, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो हिंडाल्को में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 647 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 680 680 रुपए के टारगेट सेट करने हैं हिंडाल्को में। ये कैश लेवल्स हैं, अगर चाहे तो 660 का कॉल ऑप्शन जो 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा है वहां पर 7 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए और इस ऑप्शन में 20 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, तो हिंडाल्को में एक मौका आप 660 का कॉल लेकर चले या फिर 680 के टारगेट के लिए एक सीधा तेजी वाला ट्रेड है। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड क्या रहेगा? अर्षदा जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अर्षदा जी, देखिए मेरी नजर है क्रॉम्पटन पे। क्रॉम्पटन बहुत अच्छे से कंसोलिडेट हो रहा है, परसों के दिन एक ब्रेकआउट मिला था और आज अगर आप देखें तो ये अपने क्लस्टर के ऊपर मेंटेन हो रहा है, तो एक बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करना है क्रॉम्पटन। 447 चल रहा है फ्यूचर में, 443 का स्टॉप लॉस होगा। इसका जो नेक्स्ट स्विंग का टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 460 का इनिशियली, अगर वो सरपास होता है तो 470 तक की जगह निकलेगी। तो क्रॉम्पटन लुक्स गुड टू मी। क्रॉम्पटन लुक्स गुड, ये हो गई कॉल राजेश सतपुते की इस समय। अच्छा, सुबह हमने एक स्टॉक स्पॉट किया था डिक्सन टेक, एक बार उसको लेकर आइए जरा आप। वो डे हाई पर आ गया स्टॉक और अब उन लेवल्स को टेस्ट कर रहा है जो सुबह डिस्कस हुए थे, 12,800 के करीब के। देखिए स्टॉक इस समय डे हाई पर 12,800 के करीब। प्रशांत सावंत जुड़े हमारे साथ। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? जी अनुज जी, गुड आफ्टरनून। यहाँ पे मेरा पिक होगा टाटा पावर। ये एक बहुत अच्छे लेवल से बाउंस हुआ था और वहां पे सस्टेन कर रहा है, एक अहम सपोर्ट इसने मेंटेन किया हुआ है। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 412 411 के जस्ट नीचे रखेंगे और 430 से लेके 434 430 434 इन टारगेट्स के लिए लॉन्ग जा सकते हैं। टाटा पावर इनफैक्ट पिछले हफ्ते से मैप कर रहे हैं प्रशांत, अपने पोर्टफोलियो के लिए भी 1.25% तक के गेंस यहाँ पर बने हैं। शरद जी, गुड आफ्टरनून, बताइए, मार्केट कंसोलिडेशन मोड में लेकिन आप क्या ट्रेड आइडेंटिफाई करके बैठे हैं? मुझे लगता है यूपीएल अब थोड़े बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, वापस नेक्स्ट लेग ऑफ मूवमेंट चालू होना चाहिए। कंपनी एग्रोकेमिकल की जानी मानी कंपनी है और हमें लगता है कि इस क्वार्टर में ज्यादातर पेन एब्जॉर्ब हो गया है, इंटरनेशनल बिजनेस में भी इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। अब हम रेट कट्स की भी बात कर रहे हैं, जो पोस्ट एक्विजिशन लीवरेज इनकी बढ़ी थी, इंटरनेशनली रेट कट्स आते हैं तो मेरे हिसाब से उसका भी बहुत बड़ा फायदा इनके नंबर्स में हमें दिखाई देगा आने वाले समय में। तो ग्रेजुअली मुझे लगता है सेकेंड हाफ बिजनेस नंबर्स के हिसाब से भी ठीक रहना चाहिए और रेट कट का जो पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा इंटरेस्ट कॉस्ट में और ग्रेजुअली बिजनेस इंप्रूव करता है तो लीवरेज भी कम होनी चाहिए अगले 6 से 9 महीनों में। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा स्टॉक है जहाँ अभी भी अर्निंग्स वैल्यूएशंस बहुत सबड्यूड है,
इस साल अगर नॉर्मली एक्सपेक्ट करें तो मुझे लगता है कंपनी 30 रुपए के आसपास की अर्निंग रिपोर्ट करेगी, और 20-25 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। एग्रीकेम में इससे सस्ता स्टॉक है नहीं और बड़ा स्टॉक है, तो मेरे हिसाब से जैसे जैसे ये इंटरनेशनल सिनेरियो और ग्लोबल सिनेरियो जो स्टॉक का ओवरहैंग है वो भी खत्म होता है, एक काफी बड़ी रीरेटिंग संभव है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इस साल की अर्निंग लगभग 30 से 35 रुपए के आसपास आनी चाहिए। इंटरेस्ट कट्स की वजह से थोड़ा और एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है 2-4 रुपए का, तो हो सकता है अर्निंग 40 रुपए तक भी चली जाए, और मेरे हिसाब से 25 से 30 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 650 से 700 रुपए के लक्ष्य के लिए यूपीएल। 650-700 रुपये के लक्ष्य के लिए UPL। अच्छा, एक स्टॉक जरा आप गाबा सर इसका चार्ट आप देखिएगा एक बार जरा, टाटा स्टील। मैं इसको थोड़ा प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बात हो रही है सब कमोडिटी स्टॉक्स की, और विद इन कमोडिटी स्टॉक्स जैक्सन होल सिंपोजियम से पहले डॉलर वीकनेस की। आज स्टॉक ने एक बहुत शानदार बाउंस दिया है अबव इट्स 200-डे मूविंग एवरेज, और ये स्टॉक था जब ये ग्लोबल क्राइसिस शुरू हुआ था उससे पहले 168 का भाव था, और उससे पहले इसका प्रीवियस हाई 181 का था। वहाँ से ये स्टॉक गिरा था, वन वे गिरा था, और 200-डे मूविंग एवरेज पे एग्जैक्ट बॉटम बनाकर ये स्टॉक घुमाएगा। बस सर एक बार चार्ट देखिए टाटा स्टील का। बिल्कुल, ये चार्ट मैंने शॉर्टलिस्ट किया था लेकिन लास्ट मोमेंट में अवॉइड कर लिया इसकी, क्योंकि ये जो रेसिस्टेंस जोन पर है वो है 154-155 के आसपास। अदरवाइज इस स्टॉक में स्ट्रेंथ है, ये सेकेंड अटेम्प्ट है फॉर एन अपू। अगर यहाँ पर भी अगर आज बंद दे देता है और कल एक अपू मिल जाता है फिर कहेंगे कि शायद ये बॉटम आउट हो चुका। जगह अच्छी है बाउंस करने की, सेटअप सही है, लेकिन सिर्फ एक थोड़ा एक लेवल है वो पार करना जरूरी है, वो है 155 का टाटा स्टील। ओके, तो टाटा स्टील में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, और टाटा स्टील याद रखिएगा ये जो रॉयल्टी पेमेंट वाली बात थी उसमें बेस्ट प्रिपेयर्ड है, उन्होंने अपनी कंटिंजेंसी तैयार की हुई थी, इसीलिए इतनी जल्दी रिकवर हो पाया ये काउंटर। कुछ और ट्रेड्स जिनमें हमने देखा एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, सुबह से हम ऑयल एंड गैस की बात कर रहे थे लेकिन इस सेकेंड हाफ में जो थोड़ा बहुत एक्शन लौटता हुआ दिखाई दिया है उसमें आप सीमेंट कंपनियों को दरकिनार नहीं कर सकते। आपको याद होगा पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी अल्ट्राटेक, ग्रासिम जैसे ट्रेड्स की हमने बात की थी। अब अल्ट्राटेक फिर से अपनी थोड़ी सी तेजी भुनाने की कोशिश में है, ग्रासिम हाउएवर साइडलाइंस पर बैठा है। यहाँ पर अल्ट्राटेक एक पर्टिकुलर कैंडिडेट है मानस, आपको याद होगा हम पिछले सत्र में भी डिस्कस कर रहे थे और इवेंचुअल क्लोज इनफैक्ट वो डे हाई पर आया था। आज कुछ फॉलो अप के तौर पर अगर दिन भर में नहीं हुआ है मौका है कि अल्ट्राटेक में अब कुछ पिकअप आने का? तो देखिए आज कोशिश की 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने के लिए स्टॉक ने, लेकिन वहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। फिलहाल के लिए स्ट्रेटजी ये रहेगी कि अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी बना लिया है तो 11,200 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए। फ्रेश खरीदारी की राय 11,400 के ऊपर रहेगी। अगर 11,400 के ऊपर सस्टेन करेगा तो कम से कम 11,800 तक के टारगेट आपको अल्ट्राटेक में देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट अल्ट्राटेक ही नहीं, आप दालमिया भारत देखिए, जेके सीमेंट देखिए, ये पूरी कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें थोड़ा बहुत एक्शन वायदे बाजार के लिहाज से, ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से भी बनता हुआ साफ दिखाई दिया है। एक इंटरेस्टिंग ट्रेड वो साबित होता है, लेकिन मिड कैप पर एक बार नजर डालिएगा क्योंकि आज इंट्राडे में ये इंडेक्स 400 पॉइंट तक की तेजी दिखा गया था और इस समय डे लो पर आता हुआ, तो वहाँ पर भी अनुज क्लियरली यू नो ये टेक ईच डे एज इट कम्स वाला रवैया अपनाया जा रहा है कि अच्छा पैसा बना, मुनाफा वसूल लो, फिर आगे बढ़ो। बिल्कुल हजदा, और ये चलेगा कुछ टाइम तक मार्केट में इस समय, लेकिन ये जो एडवांस डिक्लाइन है आज का ये बहुत बहुत शानदार है। पैरेलल लाइन में हमेशा बोलता हूँ पैरेलल लाइन डिस्पाइट द फैक्ट कि मिड कैप सुपरी लेवल से हल्के हुए। एग्जैक्टली, वो एक रीजन ये हो सकता है कि सुबह स्टॉक्स 8-8, 9-9% ऊपर खुले, वो गिर कर शायद 4-5% रह गए। इंडेक्स मिड कैप इंडेक्स में क्या होता है, मिड कैप इंडेक्स में 3-4 स्टॉक्स जैसे कुछ अदानी ग्रुप के स्टॉक्स भी हैं, कुछ और स्टॉक्स भी हैं, PFC REC का बड़ा इंपैक्ट है। कई बार क्या होता है 3-4 स्टॉक इधर उधर घूम जाते हैं तो इंडेक्स इधर उधर हो जाता है। हमेशा ब्रेड देखिए, जब भी आप मिड कैप मार्केट की बात करें हमेशा ब्रेड देखिए, अगर ब्रेड ठीक ठाक है देखिए। PFC कोलैप्स हुआ, आई थिंक इसका बहुत बड़ा वेट है मिड कैप इंडेक्स में, तो ये इस वजह से हो सकता है। लेकिन असली मार्केट के मिड कैप की स्ट्रेंथ की चेक जो टेस्ट है वो ब्रेड से होती है। जब तक ये ब्रेड इंटैक्ट है मार्केट में कोई डरने की जरूरत नहीं है आपको, वैसे भी आप मार्केट में डरने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आज देखिए इंक्रीमेंटली मार्केट ने खबरों पे भी रिएक्ट करना बंद कर दिया। आज कोजेंसिस पे दोपहर पे एक रिपोर्ट आई थी जिसको वैसे हमने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, वैसे वो कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के नाम पे थी कि शायद कुछ इंक्वायरी सेटअप हो, कुछ नहीं निकल के आया उससे, मतलब स्टॉक्स में। तो आई थिंक वी आर नाउ रीचिंग ए स्टेज जहाँ पर अब मार्केट को लग रहा है कि जो ग्लोबल फैक्टर था और जो डोमेस्टिक फैक्टर था दोनों खत्म हुए,
अब मार्केट वापस तेजी करने के लिए तैयार है और मिड कैप में गिरावट भी बड़ी हुई थी, तो इसके लिए मिड कैप चलेंगे भी ज्यादा यहाँ से। जी हाँ, वहाँ पर बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, एक ट्रेड जो हम पहले बात कर चुके हैं शरद जी, आई डोंट रिमेम्बर कि आपने पिक किया था या फिर किसी और का पिक था, वरुण बेवरेजेस, काफी दिनों बाद इस तरह का मूव, करीब 6% के गेंस, और ये चर्चा में सुनाई दिया है रिसेंटली, आई थिंक आशीष चतुर्मोता भी उसको ट्रैक करते आए, उनके पोर्टफोलियो का हिस्सा बना है, नया ट्रिगर क्या होगा वरुण बेवरेजेस को जो 1500 के ऊपर ले गया है? ये मुझे लगता है मैंने कभी रिकमेंड तो नहीं किया क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट बड़ी मुश्किल से मिलता है स्टॉक में। मुझे लगता है कंटिन्यूअसली जो नए प्लांट्स वगैरह ये लोग चालू कर रहे हैं उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट लगातार आती जा रही है, और रिटर्न रेशियोज वगैरह की प्रोफाइलिंग के हिसाब से देखिए तो काफी बढ़िया इम्प्रूवमेंट कंपनी ने लगातार रजिस्टर की है। वैल्यूएशन वाइज ऑब्वियसली थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, बट कंपैरेटिवली लगातार जो एक्सपेक्टेशन है उसको काउंटर बीट भी कर रहा है, तो मुझे लगता है उस हिसाब से इस क्वार्टर के नंबर्स भी मोटा मोटी ठीक ही आए थे। अगर कोई और कैपेक्स वगैरह ये डिसाइड करते हैं और फर्दर इम्प्रूवमेंट में या नए प्रोडक्ट लाइन में, तो वो एक एडिशनल इनके लिए रेवेन्यू कीकर हो सकता है, बट ग्रोथ रेट रिटर्न रेशियोज के हिसाब से काफी शानदार नंबर्स रहे हैं। पर यह है कि ये वैल्यूएशन पे और कितनी अपसाइड बचती है मुझे थोड़ा डाउट है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। एफएनओ का टॉप गेनर है आज वोल्टास। जी हाँ, शेयर फिर आज लंबी छलांग लगा रहा है, इस साल अब तक ये 60% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेज को अभी भी यहाँ पर अच्छी अपसाइड नज़र आ रही है। ब्रोकरेज की रिपोर्ट लेकर